चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बिहार की। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ईबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा लाए गए कानून को रद्द करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता गौरव कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला 11 मार्च को सुरक्षित रख लिया, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। इसमें राज्य सरकार ने संवैधानिक नियमों को तोड़ मरोड़ करके 49.5 से बढ़ा के 65% कर दिया था शिक्षण संस्थानों में नामांकन में और पद सरकारी सेवाओं में सबके लिए। तो उसको इस पर बहस हुआ था, इसको आज जजमेंट रिजर्व किया गया था। आज जजमेंट पर था कि कास्ट बेस्ड सर्वे के आधार पर 65% कर दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा, जिसको गलत पाते हुए कोर्ट ने इस चीज़ को सेट असाइड कर दिया।